आरिफ बुजुर्ग आयतुल्लाह बहजत से एक जवान ने सवाल किया कि मौलाना, मैं इमाम जमान से मुलाकात करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आपने कहा कि दो कामों पर तुम्हारी तवज्जो हो। पहला काम ये कि ज्यादा से ज्यादा इमाम जमान को सलावात का हदिया भेजो, और वो सलावात इस तरह से हो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। और दूसरा अमल ये कि मस्जिद जमकरान से अपने रिश्ते को मजबूत करो, और वहाँ पर जाकर उस नमाज खास को ज्यादा से ज्यादा अंजाम दो जो नमाज वहाँ के आमाल के मुतालिक वारिद हुई है। हम आज ईरान और जमकरान से बहुत दूर हैं, मगर अपने ज़माने के इमाम को हदिया यकीनन पेश कर सकते हैं। कोशिश करें कि इन सलावात को इमाम की खिदमत में पेश किया जाए, बिलखसूस सूरह यासीन को पढ़कर इमाम अलैहिस्सलाम की वालिदे गिरामी हज़रत नरजिस खातून को हदिया करना चाहिए, ताकि उनके वसीले से इमाम ज़मान हमसे राज़ी और खुशनूद हो जाएँ।